हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, उसके आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? आप लगातार कमेंट में लिख रहे हैं, जबकि आपका जो आदेश जारी हुआ है उसमें पहले ही ये डेट्स दी गई हैं। तो चलें वो डेट्स हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये वेरिफिकेशन के संबंध में जो आदेश जारी हुआ था वो आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगा। इसमें हम देखते हैं पॉइंट नंबर 17 को। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 16 तारीख तक तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने थे, उसके बाद जो है आगे की डेट्स यहाँ पर देखेंगे तो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के निर्देश सुसंगत नियम अधिनियम तथा निर्देश को अपलोड करना, तो ये भी दोस्तों हो चुका है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट देखें, एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची अपलोड करना, ये आपका अक्टूबर 2022 का ही काम है, तो ये भी। इसके बाद दोस्तों पांचवा देखें, जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन दस्तावेज सत्यापन सूची के आधार पर सत्यापन कराना, ये आपका नवंबर 2022 में होगा। तो जिला स्तर पर जो सत्यापन होगा वो आपका नवंबर में होगा, इसकी डेट्स आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन, ये आपका दिसंबर में होगा दोस्तों, ठीक है। और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना, ये लास्ट जो है सातवां, ये आपको लास्ट में करना है, तो ये भी आपका दिसंबर 2022 में हो जाएगा। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आदेश जारी होंगे और इस हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, पद वृद्धि के लिए भी लगातार संघर्ष जारी है। भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसकी रूपरेखा क्या रहेगी वो मैं सुबह की वीडियो में ले आया हूँ। आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें दोस्तों। पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग हो, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है गॉड करे इस दीपावली उसके लिए खुशियाँ लेकर आए और जनवरी में उसका ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आए दोस्तों, यही मेरी शुभकामना है और इसी के लिए सभी प्रयासरत हैं। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।